नमस्कार दोस्तों, माया नगरी में आपका स्वागत है। हाजिर हूँ मैं एक दिलचस्प जानकारी के साथ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बॉलीवुड में एक नाम से कई फिल्म बनने का चलन काफी पुराना है। ये परंपरा लगभग हर दशक में दोहराई जाती है। हालांकि जरूरी नहीं है कि इस परंपरा में सभी डायरेक्टर पारंगत निकले। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनकी सेम टाइटल वाली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर जाती है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। इसके ठीक विपरीत एक ही नाम से बनी अलग अलग फिल्में जब भी बॉक्स ऑफिस पर आई, बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कुछ ऐसा सीन मिथुन चक्रवर्ती, श्रीदेवी और अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय की फिल्म के साथ भी देखा गया था। जी हाँ, आपने सही सुना। आज मैं आपको मिथुन चक्रवर्ती, श्रीदेवी और अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या रॉय के उस एक फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनका नाम बॉलीवुड की क्लासिक फिल्मों में शुमार किया जाता है। उस फिल्म का नाम है गुरु। आपको बता दूं कि इस नाम से बॉलीवुड में दो बार फिल्में बनी, और हैरत की बात ये रही है कि दोनों ही बार फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब नोटों की बारिश करवाई। पहली बार गुरु टाइटल डायरेक्टर उमेश मेहरा ने इस्तेमाल किया था। इस फिल्म में उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती, श्रीदेवी, शक्ति कपूर और नूतन को कास्ट किया था। हिंदी फिल्म में मिथुन श्रीदेवी की तीसरी बार जोड़ी बनी थी। ये उस साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। IMDB की रिपोर्ट की माने तो ये साल 1989 की सबसे बड़ी ओपनर थी। इसे 5 करोड़ की लागत से बनाया गया था और बॉक्स ऑफिस पर करीब इस फिल्म ने 12 करोड़ का कारोबार कर तहलका मचा दिया था। 1989 में गुरु फिल्म की सफलता के करीब 18 साल बाद साल 2007 में एक बार फिर इसी नाम से फिल्म बनी। इस बार गुरु को मणि रत्नम ने निर्देशित किया था। फिल्म में अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या रॉय की जोड़ी बनी। इन दोनों के अलावा मिथुन चक्रवर्ती, आर माधवन, विद्या बालन और रोशन सेठ ने भी शानदार एक्टिंग की थी। संयोग से इस बार भी गुरु फिल्म में मिथुन काफी पसंद किए गए थे। 2007 वाली गुरु फिल्म की कमाई की बात करें तो इसने भी बॉक्स ऑफिस पर खूब नोट छापे थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 22 करोड़ में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ से अधिक कमाई की थी। इस फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। आपको बता दूं कि इन दोनों फिल्मों की कहानी एक दूसरे से बेहद अलग थी। तो दोस्तों कैसी लगी ये दिलचस्प जानकारी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिर हाजिर रहूंगा ऐसी ही एक दिलचस्प जानकारी के साथ। बने रहिए माया नगरी के साथ। नमस्कार।